17 बार की नेशनल चैंपियन ने किट के लिए कभी बेचे थे पापड़। आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखना शुरू किया तो रुचि हो गई और इसी में करियर बनाने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी किट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पापड़ बनाकर बेचने शुरू किए ताकि किट खरीद सकें। यह खेल का जुनून ही था कि नतीजा यह निकला कि वह लगातार 15 बार कराटे में नेशनल चैंपियन रही। 2006 में दक्षिण खेलों में बनाया गया रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ भी नहीं पाया है। अब बेटी को भी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बना दिया और देश के लिए ओलंपियन तैयार करने में जुटी हैं। बात हो रही है महाराष्ट्र के थाने में रहने वाली शर्मिला रंगारू की। वे यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में और रेपरी पहुंची हैं। चैंपियनशिप में उनकी बेटी भी खेलने आई है, जो खुद दक्षिण एशियाई खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट है। पुणे में जन्मी 40 वर्षीय शर्मिला बताती हैं कि जब वे 8वीं कक्षा में थी तब माँ बाप के कहने पर आत्मरक्षा के लिए कराटे की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। इसके बाद कराटे को कैरियर के रूप में अपना लिया। माँ बाप मजदूरी करते थे, घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। कराटे की ड्रेस उनके पास नहीं थी। मम्मी के साथ पापड़ बनाकर बेचने जाती और जो पैसे मिलते उनको एकत्रित करके खेल का सामान खरीदा। पहले स्कूली स्तर पर नेशनल चैंपियन बनी, बाद में राज्य और नेशनल स्तर पर चैंपियन बनती गई। शर्मिला ने बताया कि जब तक वे कराटे की चैंपियन रही उस समय तक कराटे को सरकार से मान्यता नहीं थी, इसलिए सरकारी नौकरी नहीं मिली। इसके कारण उन्होंने रकम देना शुरू कर दिया। कराटे खिलाड़ी रतन घारू से प्रेम विवाह किया। दोनों ही रकम देते हैं। बेटे विक्रांत भी कराटे चैंपियन रहे हैं। बेटी सिद्धि रतन घारू भी नेशनल चैंपियन हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। फिलहाल वह ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार कर रही हैं। लक्ष्य यही है कि ओलंपिक में देश के लिए प्रतिनिधित्व करें। अब कराटे को 2020 ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। शर्मिला रतन घारू 1999 से लेकर 2016 तक लगातार नेशनल चैंपियन रही हैं। इसके अलावा 2006 में दक्षिण खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अलग अलग कैटेगरी में 3 मेडल हासिल किए, 1 गोल्ड व 2 ब्रांज मेडल जीत कर रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। एशियन गेम्स में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया है। शर्मिला रतन घारू ने दक्षिण खेलों में 2006 में 3 मेडल जीत कर रिकॉर्ड बनाया था। वहीं पर बेटी सिद्धि रतन घारू ने 2017 में गोल्ड मेडल हासिल किया। महाराष्ट्र की शर्मिला रतन घारू एक मिसाल है कि किस तरह अभाव आपकी सफलता की राह में आड़े नहीं आते, बशर्ते आपका जज्बा कुछ कर गुजरने वाला हो। कराटे की इस चैंपियन का 2006 में दक्षिण खेलों में बनाया रिकॉर्ड आज तक कायम है। अब उन्होंने बेटी को भी बना दिया है अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन और तैयार कर रही ओलंपियन।